विश्व कप 2019 की शुरुआत तो बड़े ही धमाकेदार तरीके से हुई, मगर क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है ये खबर। जी हाँ, फैंस जो अक्सर ही हमसे युवराज सिंह की वापसी को लेकर, जो अक्सर ही हमसे विश्व कप में युवराज कब खेलेंगे ये सवाल पूछते थे, यकीनन ही उन फैंस को बड़ा झटका जरूर लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व कप 2011 में भारतीय जीत के अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह ने अब अपने संन्यास की घोषणा कर दी। जी हाँ, अपने रिटायरमेंट के दौरान युवराज सिंह ने कहा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। युवराज को टीम इंडिया के शॉर्टर फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, और अब बीसीसीआई को भी यकीनन ये एक बड़ा झटका ही लगेगा, क्योंकि युवराज जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टेटमेंट देते देखे गए हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के लिए 40 टेस्ट में से 304 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व की गई है। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2011 में चैंपियन बनाने में युवराज का अहम रोल भी रहा। अब ऐसे में युवराज सिंह ने जिस तरीके से अपने संन्यास का ऐलान किया है, हम जानते हैं कि फैंस काफी ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि फैंस तो हमसे आए दिन इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार कब होगा युवराज सिंह का विश्व कप में वो धमाकेदार जादू, वो कब देख पाएंगे, कब युवराज सिंह की वापसी होगी। खैर, अफसोस की बात यही है कि युवराज सिंह जो है वो अब ग्राउंड में ना तो उनके बल्ले का जादू दिखेगा और ना ही युवराज सिंह के वो 6 बॉलों पर 6 छक्के का जादू अब एक बार फिर से हम किसी को दिख पाएगा। नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स से नैंसी की रिपोर्ट।